हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सामल और मेरे पास एक आया था, नोकिया का मॉडल है RM1190। ठीक है, RM1190 नोकिया का 150, जिसमें था आपका वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं। देखिए जो प्रॉब्लम था वो अभी पूरा वाइट डिस्प्ले से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जो मॉडल है Star H 40H नोकिया 150 है मॉडल आपका। ओके, RM1190 नोकिया 150 है। देखिए क्या करना है आपको। ऑलरेडी मैं YouTube पर वीडियो बना चुका हूँ, ये जो डिस्प्ले जो कनेक्टर लगा हुआ है इसके हुए कहाँ कहाँ तक गया है, ये डिस्प्ले कनेक्टर का हुए सब ट्रैक का मैं ऑलरेडी मैं वीडियो आपको पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। अगर आपका कंटिन्यूटी पूरा सही आ रहा है, सब में कंटिन्यूटी आ रहा है और सारे ट्रैक वगैरह आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक ठाक है, तो देखिए आपको इस कॉर्नर पर एक कैपेसिटर मिलेगा, जो कि मैं वो कैपेसिटर को अभी निकाल चुका हूँ। देखिए मैं जहाँ पर अभी लगाया हूँ ट्यूजर लगाया हूँ, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा एक कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर आपको निकाल लेना है। मेरे केस में क्या हुआ था, ये मेरा सब ट्रैक जो है सब ट्रैक मेरा सही था, बाकी ये जो कैपेसिटर था मेरा यहाँ पर जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट था। जब मैं उसको निकाल लिया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी आपका आपके सामने देखें आप कि मेरा जो ग्राफिक्स है पूरा भी वो आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है, ये कैपेसिटर को पहले भी आपको चेक कर लेना है। अगर ये शॉर्ट होगा तो उसके वजह से भी आपका डिस्प्ले होगा वाइट। ठीक है, ओके दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।